मैं हूँ रीमा, आपकी दोस्त। इस बार हम लोग जा रहे हैं किन्नौर के लिए, और पैकिंग वगैरह के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि ठंडी की जगह में जाने के लिए क्या क्या पैकिंग, क्या क्या लेना पड़ेगा। हम सिर्फ दो चीज़ बोलना चाहते हैं, एक तो ये है पोका सिक्स। ये जिनको हाइट की फोबिया है, हाइट सिकनेस के लिए, और जिनको सांसों की तकलीफ़ है उन लोगों के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। और दूसरा चीज़ है ये टॉयलेट सैनिटाइज़र। ये जो है आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते होंगे, ये है टॉयलेट सैनिटाइज़र। ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये टॉयलेट कोई भी जगह पे जाके टॉयलेट में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये 5 सेकेंड आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसको यूज़ करके, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। हाइजीन का भी ये ध्यान रखेगा। थैंक यू। हम लोग चंडीगढ़ से नरखंडा की ओर रवाना हो चुके हैं। ट्रेन तूफान के वजह से हावड़ा कालका काफ़ी लेट थी, इसलिए चंडीगढ़ पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट भी चंडीगढ़ में ही कर चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे शिमला, शिमला में पहुंच के हम लोग लंच कर लेंगे, वहाँ से फिर नरखंडा जाएंगे। चंडीगढ़ से नरखंडा की डिस्टेंस है 172 किलोमीटर, और लगभग 5 से 6 घंटा लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। फ्रेंड्स, हम लोग अभी थोड़ा रुके हैं लंच करने के लिए शिमला से पहले एक छोटी सी जगह पे। शिमला में पार्किंग की थोड़ा इशू है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लंच कर लेंगे और फिर जारी रखेंगे आगे की जर्नी। यहाँ ये एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, यहाँ आपको कम से कम 100 से 150 के अंदर आपको अच्छे खासा खाना मिल जाएगा। अगर आप जैन हो तो पहले से बोल के रखना होगा, तो ये लोग आपको जैन वेज प्रोवाइड कर देंगे। और नॉन वेज के ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही कम हैं। लंच के बाद अभी हम लोग नरखंडा की ओर रवाना हो चुके हैं। हम लोग नरखंडा इसीलिए रह रहे हैं, शिमला की भीड़ थोड़ा अवॉइड करना चाह रहे थे। आप लोग अगर शिमला की भीड़ अवॉइड करना चाहते हो तो नरखंडा बेस्ट ऑप्शन है। और शिमला से नरखंडा की डिस्टेंस है 65 किलोमीटर, 2 घंटा कम से कम लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो मिलते हैं नरखंडा में। दोस्तों, हम लोग नरखंडा पहुंच गए हैं, और ये है हाटू वैली होमस्टे। यहाँ हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं, और कल हम लोग यहाँ से जाएंगे हाटू माता मंदिर, जो है हाटू पीक में, और यहाँ से उसका डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो चलिए मिलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं हाटू वैली होमस्टे में। ये है नरखंडा से थोड़ा अंदर हाटू माँ के मंदिर के बगल में। बहुत ही ज़्यादा लोनली प्लेस है, भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर। और रास्ते में हमको बर्फ भी मिला था, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग लंच करके आए हैं क्योंकि बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके थे हम लोग, तो सारी जानकारी देते रहेंगे। हम लोग अभी नरखंडा से 11,152 फीट हाटू माता मंदिर जा रहे हैं, और रास्ते में थोड़ी सी स्नोफॉल भी हमको मिल रहा है, और वेदर आज उतना क्लियर नहीं है। अगर वेदर क्लियर होता तो हमको नंदा देवी, नंदा खुंटी, त्रिशूल, कामेट, ये सारे पीक हमको दिखाई देता। और एक खुशी की बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, कुछ ही देर पहले जंगल में जाते जाते हम लोगों को योलो थ्रोटेड मार्टिन का एक प्रेयर, और उसके साथ उसकी थोड़ी ही दूर बाद जंगल कैट मिला था, तो आई एम वेरी मच हैप्पी।
अभी हम हाटू पीक में हैं और हाटू माता के मंदिर में आए हैं और ये शिमला के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है। आपको ज़रा यहाँ से मैं नज़ारा दिखा रही हूँ। दोस्तों अभी नरखंडा को अलविदा कहने के वक्त आ गया है, तो हम लोग चलते हैं अगली मंजिल की ओर, वो है शाराहन। बहुत बहुत ही अच्छे बिताए हम लोग नरखंडा में, तो शाराहन में मिलते हैं। नरखंडा से शाराहन की डिस्टेंस है 105 किलोमीटर। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, नरखंडा बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। सतलुज रिवर, आप देख सकते हो पूरा व्यू मैं दिखा रही हूँ आपको, सतलुज रिवर। हम लोग शाराहन में पहुँचे हैं। शाराहन में हम रात बिताने वाले हैं भीमकाली जी के टेंपल में। भीमकाली जी टेंपल एक सिद्ध पीठ है, कहा जाता है माता पार्वती की कान गिरी थी यहाँ पे। यहाँ चौथे माले पे माता पार्वती की कुमारी रूप है और दूसरे माले पे माता पार्वती की विवाहिता रूप है। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल भी अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। और फ्रेंड्स हम लोग कल यहाँ से शाराहान से कल्पा जाने वाले हैं, तो तब तक के लिए बाय। जनों के संकट।
आप अगर भीमकाली जी के टेंपल में रहना चाहते हो तो भीमकाली मंदिर की वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हो। पर डे रूम चार्ज है 500 और खाना खाने के लिए है कैंटीन, बहुत ही चीप है, काफ़ी सस्ता है और काफ़ी टेस्टी है। सेकेंड पार्ट के लिए मैं जल्दी आ रही हूँ। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।